हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो कि अपने प्राकृतिक अजूबों, संस्कृति, सुंदर घरों और प्राचीन जगहों के लिए काफ़ी जाना जाता है। आज मैं आपको कुल्लू जिले के एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ जिसके पीछे की कहानी एकदम दिलचस्प और इस जगह की काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्वता भी है। यह मंदिर कुल्लू जिले में स्थित एक छोटे से गाँव कशावरी में है जिसके लिए सबसे पहले आपको दाठ नामक गांव तक आना पड़ेगा। तो गाइज ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का ऊपर का ट्रैक है। 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे ऊपर मंदिर तक। तो चलते हैं। अभी ये स्टार्टिंग में कुछ सीढ़ियाँ हैं। भाई जी अब लोकल ही यहाँ के? अच्छा अच्छा अभी मंदिर खुला हुआ है। अच्छा अच्छा तो इस गांव का नाम क्या है? दाट। तो जैसे आगे ये लिखा हुआ कराटे, ये क्या है? ठीक है जो ये लिखा हुआ कराटे, ये गांव है जी यहाँ पे। तो दाट दाट वाले नीचे वाला ना जी। अच्छा नीचे खत्म हो जाता है, ये ऊपर फिर कराटे। हाँ जी कराटे जी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई जी, थैंक यू। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सुंदर सा ये पेड़ लगा हुआ है। ये प्लम का पेड़ है, इसमें से फूल गिर रहे हैं अभी। इसमें प्लम भी लगेंगे आगे। वो यहाँ पर रास्ते में आपको एक दो दुकानें भी मिल जाएंगी और खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए बंदर भी है यहाँ पे। कैसे डराने की कोशिश कर रहा था वो मेरे को। और यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली है। छोटा सा ही ट्रैक है ये, एकदम इजी 2-2.5 किलोमीटर का और ऐसा सा रास्ता बना हुआ। और अगर आपको वापस नहीं भी जाना तो ऊपर आपको कैंपिंग फैसिलिटीज़ भी मिलती है और ऊपर छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी हैं, टेंट में जो बनाए हुए उन्होंने, तो वहाँ पर आपको खाना वाना भी मिल सकता है ईजीली। तो अगर मैं बात करूं इस जगह की जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एक मंदिर को विजिट करने जिसका नाम है बिजली महादेव। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा गांव है धाट, जहाँ से आप इस मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर के लिए ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह का नाम है धाट, पर जो मेन गांव, जो बड़ा गांव पड़ता है उसका नाम है कशावरी। धाट से ही आप ऊपर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, या धाट से अगर आप थोड़ा ऑफ रोड करके ऊपर तक आ जाए तो वहाँ पर एक और छोटा सा गांव है जिसका नाम है कराटे। तो वहाँ पर आके आप अपनी गाड़ी, स्कूटी या बाइक पार्क करके ऊपर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो इस मंदिर का डिस्टेंस कुल्लू बस स्टैंड से सिर्फ 18 किलोमीटर का है और भुंतर एयरपोर्ट से सिर्फ 28 किलोमीटर का। वो जो नीचे मैंने गांव बताया धाट, वहाँ तक के लिए आपको टाइमली बसेस मिल सकती हैं जिसके लिए आप लोकल्स को पूछ सकते हैं कि किस किस टाइम वो बसेस चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड बस की सुविधाएं नहीं है। टाइम टू टाइम बसें चलती हैं, सुबह भी, दोपहर को और शाम को। तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो किसी लोकल से पूछ के आइए। तो ये देखिए यहाँ पे ये लोकल बर्ड, ये पाइन कोन्स चेक करो गाइस, कितने सारे यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये वही कोन्स हैं जो आपको कहीं कहीं मार्केट्स में हार्टीक्राफ्ट या शो पीसेस के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर ये कितने सारे बने हुए हैं। ऐसा सा कुछ ये ट्रैक है, रास्ता बना हुआ है, कहीं कोने की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं कहीं सीढ़ियाँ, कहीं कहीं नॉर्मल ट्रैक्स। और जगह जगह पे इन्होंने ये डस्टबिन भी बना रखे हैं, तो कोशिश करिए कि जैसे जो भी ये कचरा कुचरा गिरा हुआ है ये आप इसके अंदर ही फेंकें, कहीं इधर उधर गंदा ना करें।
अंकल जी बता सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है? ये तो जब पृथ्वी बनी है तब। अच्छा, शिवलिंग देख रहे आपने? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ देते हैं। लोग बोलते क्या शक्ति है। हाँ जी, मैं एक मुंडा जैसे दो कट्ठे 3 साल के दे दिए। अच्छा, और सड़क यहाँ तक दे दी। अच्छा अच्छा, कुल्लू जाता था मैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, ये आप जलाने के लिए लेके जा रहे हो? ये बेडू है मेरे पास, गाय है छोटी खाती है। अच्छा, लकड़ियाँ खा लेती हैं बेडू? हाँ, ये मतलब जो पत्ते वाई है ना। अच्छा, इसके अंदर पत्ते हैं और ये लकड़ी जलाने के लिए। अच्छा अच्छा, बस जाती है यहाँ से दिन को 4 बजे जाएगी। बस 5 बजे जाएगी? टाइम से जाती है ना यहाँ से? 4 बजे जाएगी, 5 बजे सवेरे, 4-5 2 बजे जाएगी। अभी भी गई थी, अभी जब मैं आया हूँ तब 8 बजे के करीब। यहाँ ऊपर से ही जाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, दाट तक आती है ना? दाट तक। तो आपने सोनी अंकल जी की बातें, कितनी अच्छी बातें करते हैं अंकल जी, और यहीं के लोकल ही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा अंकल जी से बात करके। ये जगह ना एकदम नेचर से भरपूर है, तो आराम से रुक रुक के जाइए, नेचर को यहाँ से देखिए, और यहाँ से जो 360 डिग्री के पैनोरामिक व्यूज़ आते हैं वो एंजॉय करिए। अभी तो आपको यहाँ पे ट्रैक दिख रहा है, सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पर जब ठंड होती है और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ये सारी की सारी जगह यहाँ पे बर्फ़ से ढक जाती है और आपको बर्फ़ से ही रास्ता बना के आगे को जाना होता है। ठंड में आने का भी अलग एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक ड्रॉबैक है बर्फ़ में आने का कि दिसंबर एंड में या मे बी नवंबर एंड में, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, तब मंदिर के जो द्वार हैं वो बंद हो जाते हैं, तो आप सिर्फ मंदिर के दर्शन बाहर बाहर से कर सकते हैं, अंदर से नहीं। और लेट फरवरी या मिड फरवरी या मार्च स्टार्टिंग के अराउंड द्वार खुलते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। इन्होंने पानी के लिए भी बना रखा है यहाँ पे, देखते हैं इसमें पानी है नहीं। पानी है, मेरी बॉटल खाली हो गई है तो बॉटल भरते हैं। और ये कोई बर्ड अपने दोस्त यार को आवाज़ें मार रहे हैं यहाँ से। अच्छा, वैसे अगर आप बाइक लवर हैं या फिर आप अगर ऑफ रोड एडवेंचर करने में बिलीव करते हैं, तो फिर यहाँ आने के लिए एक दूसरा रूट भी है, जो कि नगर से होते हुए जना वाटरफॉल के थ्रू यहाँ पर बिल्कुल ऊपर टॉप तक आ जाता है। बिल्कुल ही डेड ऑफ रोड है वो, वहाँ कीचड़ वीचड़ सब, तो बारिश के मौसम में अवॉइड करी जाना, पर वैसे अगर आप एक्सप्लोर करने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ से भी आइए एक बार यहाँ पे। ये कैमरा हुए बंदूक लग रही है, प्रसाद दे रहे हो आप? हाँ, लो लो। कितने रुपए का? 100 रुपए का पूरा सेट है, 100 का। 7 मार्चिस और पूल फ्री। नहीं, मैं कुछ रुपए प्रसाद प्रसाद दे दो ना, अंदर है वहाँ पे पुजारी अभी नहीं? हाँ, मंदिर खुला चढ़ाते हैं, पूरा ले जा, पूरा सेट ले जाना। दो मेरे को फिर। पूरे सेट में क्या क्या होता है फिर? मार्चिस, चुन्नी, नारे, वो ना सब कुछ, नारियल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कव्यांश। कव्यांश, तो आप यहाँ लगाते हो? ये ऊपर भी दुकान है आपकी? ऊपर भी है यहाँ? कहाँ पे? कि इस साइड या इस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? दिख जाएंगे आपको, चल चल। तो आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं जी, ऐसे छुट्टियाँ पड़ी है। छुट्टियाँ पड़ी अभी जी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7th। और ये छोटा? ये 3rd। भाई हो आप दोनों? मतलब चाचा का बेटा है। अच्छा, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें जो मैंने बताई थी, कैफेज जो टेंट में इन्होंने बनाए, और सामने वो राम मंदिर। मुझे लगा था बहुत ही ठंड होगी यहाँ पे, पर यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे आप वहाँ से भी जा सकते हैं, पर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा। कितने सुंदर सुंदर बर्फीले पहाड़ यहाँ से देख रहे हैं आप।
कैमरे में तो पता नहीं कैसे आ रहे हैं, पर मेरी आंखों से तो ये अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा मुझे। और ये रास्ता सामने से जाना वाटरफॉल से आया, जो ऑफ रोड ट्रैक में आपको बता रहा था। और ये वैली के साइड का व्यू, यहाँ पर एक मंदिर का गेट हुआ करता था। दादी जी यहाँ पर वो गेट था वो हटा दिया, जो यहाँ था हटा दिया। क्यों, रास्ता बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, इतनी अमेजिंग है ये जगह ना। तो जब भी मैंने कुल्लू आना, हमेशा मैंने बिजली महादेव जी के दर्शन करके ही जाना है। ये है मंदिर, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और ये पेड़। और ये सामने देख रहे हैं आप, इसके ऊपर एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। और ये अलग अलग प्रकार के शिवलिंग। और ये है बिजली महादेव जी का मंदिर। जय शंकर महाराज जी की, हर हर महादेव। तो अगर मैं बात करूं कि इस जगह का नाम बिजली महादेव कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक कुल्लांत नामक दैत्य आके रहने लगा, जो कि एक राक्षस था। और उसने ठान लिया था कि यहाँ कुल्लू घाटी में वो किसी भी जीव जंतु या इंसान को जीवित नहीं रहने देगा। तो उसने जालंधरासुर करके एक विशाल काय सांप का रूप धारण करा और यहीं पर कुल्लू घाटी में ब्यास नदी पर जाके बैठ गया। तो उस राक्षस का ये मानना था कि अगर वो ब्यास नदी का एक तरफ से भाव रोक देगा तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि पूरी कुल्लू घाटी डूब जाएगी और वहां के सारे इंसान और जीव जंतु वहीं पर मर जाएंगे। तो जब भोलेनाथ जी ने ये देखा कि ये तो अन्याय हो रहा है, तो वो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए और कुल्लांत जो कि राक्षस था उसके सामने जाके खड़े हो गए। तो जब महादेव जी उस राक्षस के सामने आए, तो उन्होंने उसके कान में बोला कि अरे पीछे तो देख, तेरे पूछ पे तो आग लगी है। और जैसे ही उसने पीछे देखा, वैसे ही महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाल के उसके सर पे मारा और वो वहीं के वहीं मर गया। और उसका पूरा का पूरा शरीर जो था वो एक विशाल काय चट्टान में बदल गया। और उसके आकार का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी कुल्लू घाटी है, यहाँ से लेकर मंडी तक, ये उसी कुल्लांत नामक दैत्य के रूप में है। तो वो इतना बड़ा था। और यही एक वजह थी कि इस जगह का नाम कुल्लू दिया गया, जो कि उस राक्षस कुल्लांत से मिलता है। काफ़ी लोगों का ना ये भी मानना है कि यहाँ पर महादेव जी ने इंद्र जी को ये कहा कि आप हर साल में एक बारी या 12 साल में एक बारी बिजली ज़रूर गिराया करिए। पर मैंने जो पुजारी जी से पूछा और लोकल से पूछा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो इंद्र जी ने महादेव जी को बोला था कि जब जब यहाँ पर अन्याय न्याय से ज़्यादा होगा, तब तब आप यहाँ बिजली गिराइएगा, ताकि यहाँ पर जनगण को हानि ना हो। और इसीलिए या तो जैसे आज गिरी है तो क्या पता अगले साल गिर जाए, या फिर आज से 10 साल बाद यहाँ पर बिजली गिरती है। और जब जब वो बिजली यहाँ पर गिरती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अंदर शिवलिंग है उसी शिवलिंग पे गिरती है और कहीं भी नहीं गिरती।
और यही एक रीज़न था कि महादेव जी ने इंद्र जी को कहा था कि आप यहाँ पर बिजली गिराइए, ताकि वो बिजली सिर्फ उस शिवलिंग पे गिरे और किसी भी जीव जंतु या इंसान पे ना गिरे। तो जब भी यहाँ पर बिजली गिरती है शिवलिंग पे, तो शिवलिंग टूट जाता है और एकदम खंडित हो जाता है। तो फिर यहाँ के पुजारी और लोकल गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उस शिवलिंग को गाय के दूध से बने मक्खन से जोड़ते हैं। तो जो गाय का दूध इसमें इस्तेमाल होता है, वो उस गाय का दूध इस्तेमाल होता है जिस गाय ने अभी बच्चा दिया होता है, और पहला ही दूध दिया होता है उसी दूध के मक्खन से इस शिवलिंग को जोड़ा जाता है। और एक अद्भुत बात ये है कि कुछ टाइम बाद ही उस मक्खन से जोड़ने के बाद ये शिवलिंग ऐसा लगता है कि कभी टूटा ही ना हो। और क्योंकि इस शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है, इसलिए इनको मक्खन महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे, बिजली महादेव जी के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और यहाँ पर कैंपिंग करिए, सनसेट देखिए और इवन सनराइज़ भी एक्सपीरियंस करिए। तो वीडियो कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही खूबसूरत जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।